वालेकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बेकिंग लाइफ का सुपर हिट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप बेंटो केक में बना सकते हैं। इससे आप 10 पाउंड तक के केक बना सकते हैं। ये रेसिपी इतनी मॉइस्ट होती है, आप इसको सोक करें ना करें, इतना प्यारा कलर कैसे आता है। बेंटो केक के लिए आपको कौन सा मोल्ड चाहिए होगा, कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये जो बहुत ज़्यादा चॉकलेटी ब्राउन कलर जो आया हुआ है इसके अंदर, केक के अंदर, वो किस तरीके से आएगा, कौन सी ट्रिक्स हैं, इसका मॉइस्चर अंदर हम लॉक कैसे रखेंगे, मैंने मोल्ड कहाँ से बाय किए हैं, कितने के बाय किए हैं, और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इतनी सुपर हिट रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना आप लोगों को, इंशाल्लाह ताला इतनी ज़्यादा आपको इस वीडियो से नॉलेज मिलेगी और आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। इतनी डिटेल में बता रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, उसके बाद आपने इसको बनाना है। ग्राम्स में भी बता रही हूँ, कप में भी बता रही हूँ, स्पून में भी आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब बारीक बारीक डिटेल, क्यों हमने इसके अंदर कोई चीज़ क्यों ऐड करनी है, कितनी ऐड करनी है, क्या रीज़न है इसका ऐड करने का, और इसका अल्टरनेट पे आप कुछ और ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड कर सकते हो, मैं सब बताऊंगी। सुपर हिट बनते हैं, सबसे पहले तो यही नहीं पता होता बेंटो केक के लिए हम मोल्ड कहाँ से, कितने वाले बाय करें, कैसे बाय करें, तो मैं आपको आज की वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगी। सुपर सॉफ्ट और इतने मॉइस्ट होते हैं कि आपको इसका मॉइस्चर लॉक कैसे करना होता है, वो एक बड़ी बेनतहा जो है ना आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला, आपकी बेकिंग लाइफ की जर्नी को आसान कर देगी। आप अगर होम बिजनेस करेंगे तो ये रेसिपी आपकी सुपर हिट जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 5 इंच का मोल्ड लिया है, 4 इंच इसकी हाइट है, हाइट इसकी 4 इंच है और बेस इसकी 5 इंच की है। तो यहाँ मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि मैंने 3 मोल्ड क्यों लिए हैं और मैं इस रेसिपी को इतना अलग अलग क्यों बनाऊंगी और अलग अलग से स्पॉन्ज को बेक क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो है 4 इंच हाइट होगी और 5 इंच बेस होगी, और 120 रुपीज़ में मैंने इसके बाय किया। और इसकी चादर देखें, इसकी क्वालिटी देखें, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त है। मैंने 12 इंच, 9 इंच, हर तरह के मोल बाय किए, और यकीन करें क्वालिटी देख के ना आप लोग को शायद अंदाज़ा हो रहा होगा, क्वालिटी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और प्राइस आप देखें, 120 में हमें ये मिला है। तो मैंने ये 3 से 4, 4, 5, 5 बाय किए हैं, क्योंकि बहुत इजी रह जाता है आपको इस तरीके से बहुत रिजनेबल प्राइस में अगर मिल रहे हो। तो ये कहाँ से मिलेंगे, इसका लिंक जो है ना आपको, वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ठीक है, वहां पर आपको मैं सारी डिटेल बता दूंगी, शेफ रुकैया के नाम से है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर ले, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो वह मैं अलग अलग जगह से मंगवाया है, मैं इनको आप लोगों कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये मोल्ड को रेडी किया, ऑयल से ग्रीस किया और बटर पेपर इसके अंदर लगा दिया, और मोल्ड हमारे हो गए रेडी सबसे पहले। और पतीले को प्री हीट करना है या 180 डिग्री पे आपने ओवन को प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारा है मैदा, ये वही मैदा है जो मैंने बेकिंग के लिए बना के रखा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये वीडियो जरूर जाके चेक करें और ये मैदा बना के रखें और अपनी बेकिंग लाइफ को सुपर आसान कर लें और केक स्पॉन्ज आपके इंतहाई सॉफ्ट बनेंगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये वही मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो कप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 180 ग्राम का कप है, 250 ml का, ठीक है। 1 कप मैंने मैदा लिया और इसको मैंने छानना है, और यहाँ पर ग्राम्स भी रिटर्न भी आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो है ना मैं 1/2 कप और ले रही हूँ, ठीक है। अब इस 1/2 कप में से मैंने 1 टेबल स्पून रिमूव कर दिया, 1.5 कप, उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून रिमूव कर देना है, ठीक है। और टेबल स्पून जिसको चाहिए वो यहाँ पर वीडियो को आराम आराम से देखे तो आपको टेबल स्पून में समझ आ जाएगा कि मैंने कितना टेबल स्पून लिया खाने वाला चम्मच, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको अगेन से छानना है। जब भी आपने रेसिपी बनानी है, ड्राई इंग्रीडियंट्स को आपने छान लेना है या मैदे को तो जरूर से छान लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ बस मैंने मैदे को छान लिया, उसके बाद अब आते हैं शुगर की तरफ। चीनी, घर की दानेदार चीनी ली और मिक्सी में हमने उसको चॉपर में मिक्सी में जो है पीस लिया उसको। अब यहाँ पर चीनी वजनी होती है ना थोड़ी सी, तो यहाँ पर मैंने 1 कप इसके अंदर शुगर ऐड कर दी, दानेदार चीनी को पीसा हुआ, आइसिंग शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर 1 कप पूरा लिया, 180 ग्राम है, लेकिन आप देखिए ऊपर 2 टेबल स्पून और है तो 210 ग्राम तक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना हद तक जो है ना इसको भर लिया था ऊपर तक, और मैंने 1 कप पूरा ऐड कर लिया,
ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे कोको पाउडर। अच्छा कोको पाउडर मैंने देखा, उसका मंगवाया हुआ, सुपर सुपर अमेजिंग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आप यकीन करें टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाफ कप लिया, उसमें से 1 टेबल स्पून रिमूव कर दिया मैंने, कोको पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, अब जाएगा बेकिंग पाउडर। रैम्स में रिटर्न में रेसिपी मिल रही है आप लोगों को। अच्छा ये 1 टेबल स्पून है, मेजरिंग वाला स्पून पूरा भर कर जाएगा। देखिए रेसिपी में अगर आपको 2 टेबल स्पून बताया हुआ ना बेकिंग पाउडर, तो डरा मत करें, रेसिपी में वो चीज बताई जाती है जो कि यूज की जा चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर डालना है, और यहाँ पर है बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून से 1 चुटकी कम, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर 2 चुटकियां हमने नमक ऐड कर दिया। ये चीजें हमने ऐड कर दी, और इसको, अच्छा चीजें तो ऐड कर देते हैं हम, उसके बाद हम मिस्टेक कहाँ कर रहे होते हैं कि एक डॉम शेप में बन रहा है, अंदर बड़े बड़े से होल हो गए हैं, कहीं से राइज हुआ है कहीं से नहीं हुआ, सारा बैटर नीचे बैठ के हार्ड हो गया है, क्या वजह होती है? ये जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ, देखें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे को हर जगह आपको मिक्स करना है ना, हर जगह आपको मिक्स करके एक चीज बनानी, एक जान करना है सब चीजों को, तो उसमें मिक्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिक्सिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऑयल मैंने 1/2 कप लिया, मेजरिंग वाला कप, उसमें से 1 टेबल स्पून रिमूव कर दिया। ऑयल क्या काम करेगा? ऑयल इसके अंदर सॉफ्टनेस लाएगा। ठीक है, उसके अंदर अच्छा सा शार्प सा कलर देने के लिए, अगर आपको चॉकलेट केक भी बनाना हो ना, तो उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून अगर ऑयल लेते हैं, तो 1/2 टेबल स्पून आप कोको पाउडर ऐड कर देना, कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर एक्स्ट्रा लिया है, बाकी कोको पाउडर आपको दिखा दिया मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने मेजरिंग वाला कप लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही डाली, उसमें से 1 टेबल स्पून आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, 1/2 कप दही, मीठा दही है, खट्टा दही नहीं है, दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर का है, फ्रिज का दही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑयल और जो मैंने मिक्स किया हुआ था कोको पाउडर, दोनों को मैंने ऐड कर दिया दही के साथ। अब दही क्या काम करेगा? दही इसके अंदर मॉइस्चर लेकर आएगा, एक इतना अच्छा टेस्ट और गुई इफेक्ट जो होता है ना, वो दही बहुत अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्लोज इसलिए कर रही हूँ, देखो ये दही फट रहा है ऑयल और उसके साथ, तो कोई परेशानी नहीं है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेना है तीनों चीजों को, और इसी के अंदर ही मैंने चॉकलेट एसेंस ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, आप चाहो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड करूंगी चॉकलेट एसेंस, ये देखो किसी भी कंपनी का आप ले लो चॉकलेट एसेंस, तो यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स वो ऐड कर दिए। ठीक है, और आप इसको इजीली 3-4 दिन बाद भी इसको आप लोग कस्टमर को दे सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सॉफ्टनेस पे कोई फर्क नहीं आएगा। फ्यू ड्रॉप्स मैंने अपना फेवरेट लेमन एसेंस ऐड कर दिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर दो। ठीक है, और अच्छे से मिक्सिंग करनी है, मैंने छोटा सा विस्क लिया उसे मिक्स कर लिया। अच्छा आप लोग फोक से कर लो। यहाँ पर मैंने 3 अंडे ऐड किए, यहाँ पर अगर अंडे आप लोगों के जो है ना बड़े साइज के हैं तो 2 ही कर लो आप। ठीक है, मैंने 3 कर लिए क्योंकि साइज छोटे छोटे से चुनने से अंडे थे, वो डाले, और ड्राई इंग्रीडियंट्स में मैंने ऐड कर दिया हमारा वो बैटर। ठीक है, जिसमें ऑयल दही कोको पाउडर सब चीजें थी, वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से नीट किया करो बाउल कप्स को, क्योंकि हमारे इंग्रीडियंट्स जो मेजर किए हुए होते हैं सारे, ऐसा ना साथ लगा हुआ छोड़ दिया, उतने ग्राम ही कम हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी जो मैं बातें आपको बता रही होती हूँ ना बहुत ज्यादा बोलकर, वो बस टिप्स ही होती हैं जिनको आप लोग जहन में रखा करें और फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्का सा मिक्स किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया 1/2 कप पानी। अब जो पानी है ना वो रूम टेम्परेचर का नहीं, हल्का सा गर्म है, लाइक बहुत ही हल्का गर्म है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे तो होगा ना सब चीजें यकजान हो जाएंगी, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और सॉफ्टनेस ऑयल और दही जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बहुत तेज मिक्स नहीं कर रही हूँ, वीडियो को थोड़ा सा बहुत लंबे हो जाए ना हो जाए इसकी वजह से मैं आपको जो ज्यादा लग रहा होगा मिक्स कर रही हूँ, वो फास्ट की हुई है वीडियो। यहाँ पर देखो मैंने इस तरह से सारा मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून और पानी ऐड किया। ठीक है, अच्छा अगर आपको यहाँ पानी नहीं ऐड करना तो आप इस 1/2 कप की जगह मिल्क भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब बचत कर सकते हो आप लोग तो क्यों ना पानी का यूज कर लो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना इसे अच्छे तरीके से जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छा मतलब हर चीज जो है ना, अब आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ रिबन की तरह, ये देखिए पोरिंग इस तरह से जा रहा है, बहुत रिबन की तरह हल्का हल्का नहीं ड्रॉप हो रहा। ठीक है, और अगर आपको लगे कि ज्यादा, लेकिन इस रेसिपी के लिए इतना इनफ है। ठीक है, एक्स्ट्रा पानी मत ऐड करो, 2 टेबल स्पून और डाला था बस इनफ हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ लाइट की वजह से थोड़ा सा कलर इसका लाइट हुआ है, वरना इतना प्यारा चॉकलेट का ये बैटर का कलर बना था, लाइट थोड़ी सी ज्यादा पड़ी थी। अब मैंने तीनों मोल में डाल दिया बराबर का,
एक में ना थोड़ा सा कम चला गया था। अच्छा पता है क्या मैंने क्यों अलग अलग किया? वो इसलिए किया है कि ये जल्दी से बेक हो जाएंगे, एक ही बेंटो केक बन जाएंगे। अगर आपको इसको बड़े केक में बनाना है तो आपने क्या करना है, 7x7 का हाइब्रिड मोल्ड ले लो, उसमें बना लो, 6 इंच के दो मोल्ड ले लो, उसमें बना लो, जल्दी बेक हो जाता है, इक्वल बेक होता है। क्योंकि ऑयल बेसिस जो स्पॉन्ज होते हैं ना अक्सर से ऊपर से फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, जब हम इनको बिल्कुल कम कम को अलग अलग तरीके से करेंगे और एक साथ पतीले में हो जाएंगे इजिली, कोई इशू नहीं होगा, तो फिर क्या कोई इशू तो नहीं होगा ना। अच्छा अब मैंने पतीले को प्री हीट किया हुआ था, 2 से 3 बार अच्छे तरीके से इसको टैप करना है ताकि एयर बबल इसके रिमूव हो जाए, और ये 1 5 इंच का जो है ना ये बनेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल दूंगी, कौन कौन सा क्रीम वर्क, कितनी क्रीम लगेगी और ये कितनी, इसका वजन कितना है, मैं सब कुछ आपको मेजर करके बताऊंगी। तो मैंने पतीले में तीनों को रख दिया, वो थोड़ा सा एक ना मुझे लग रहा था थोड़ा सा साइड पर हुआ हुआ है इसलिए थोड़ा सा वो शेप थोड़ी सी हुई थी इसकी। अब मैंने पतीले को दम वाली आंच से थोड़ी सी ज्यादा आंच पे रखा, इतनी आंच पर ये बेक हो जाएंगे, तकरीबन इनको 40 मिनट लगे थे। ऊपर कोई वजनदार चीज रख दी है, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट्स में ये बिल्कुल इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छी, और ये देख लें कितने परफेक्टली डन हुए हैं और कितने जबरदस्त लग रहे हैं मॉइस्चर से। अब इनका मॉइस्चर हमने लॉक कैसे करना है मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आपने 3 किस्म के बेंटो के 2 पॉइंट की रेसिपी से बना लिए, ठीक है, 5 5 इंच के, ठीक है। अच्छा अब मैंने चेक किया टूथपिक से बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई। अब आपने इस रेसिपी को हाफ करना होगा ना, तो आप इस रेसिपी को हाफ कर लोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राम में दी हुई है आपको रेसिपी, डबल करना चाहो डबल कर लोगे, लेकिन मैं साथ साथ आपको 1 से लेकर 10 पाउंड तक के सारे स्पॉन्ज ये जो है ना खास तौर पे आपको बता दूं। यहाँ पर ये देख माशाल्लाह से आप हाइट देख रहे हैं, कितनी अच्छी हाइट आई है, कितने अच्छे राइज हुए हैं और कोई डॉम शेप नहीं आई है इसके अंदर, बिल्कुल लेवल के ये बेक हुए हैं, टेम्परेचर इसको सही मिला था, ऊपर से हमने वजनदार चीज रख दी थी लिड के ऊपर, उसकी वजह से कोई भी इसकी हीट बाहर नहीं आई थी। और आप लोग लुक देख सकते हैं कितना जबरदस्त और अमेजिंग आया है, झटपट से हो गए। अगर हम इसको एक ही साथ बेक करती ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाना था, घंटा भी लग सकता था, 55 मिनट भी लग सकते थे। मैंने अनमोल्ड किया, आप देखो कितना जबरदस्त और हाइड्रेट बना है, इसकी 3 लेयर इजीली कट हो सकती हैं, और जो जो चीजें मैंने ऐड की हैं उसके बाद आपको इसके अंदर सोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही अपना कमाल दिखाएगी, ऑयल अपनी सॉफ्टनेस दिखाएगा, गर्म पानी अपना काम कर गया है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत अच्छा वर्क कर गई हैं इनके ऊपर, अपने केक के ऊपर। तो ये देखिए आपका कितना जबरदस्त, दिल खुश हो गया देख के। अच्छा अब क्या करना है, अब इनको देखिए जैसे आए निकले, हमने निकाला इनको मोल्ड में से, अब ये आपको टेक्सचर पता लग रहा है, वो दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करने लगी हूँ, टीके का ऑर्डर था, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरीके से जो है ना मैंने निकाल लिया, अब इसको क्या करना है, सॉफ्टनेस माशाल्लाह मैं आपको क्लोज करके स्टार्ट में भी दिखाई थी, अब आपने इसको खुला नहीं छोड़ना, आपने क्या करना है फौरन से, अच्छा अगर आपको लगे हल्का हल्का ऊपर से आपने उतारना है तो हल्का सा ऊपर से उतार लिया, वो मेरा बहुत क्रेव हो रही थी इसको खाने की, तो मैंने कहा चले ऊपर से हल्का फुल्का सा जो है ना वो उतार लेते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ना उतार लिया तो वो स्ट्रेट हो गया बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत लगा भी तो बहुत यमी, ट्रस्ट के बाद मी, आपने क्या बहुत करना है, बहुत इसको मजे का बना फौरन था। से किसी तो भी आपने रुमाल वगैरह से जो है ना वो कवर कर देना है, इससे क्या होगा ये गरम गरम जब हम लोग ओवन से निकालेंगे, 180 पे आपने ओवन में इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए ही बेक करना है, 180 पे इस तरह से कवर करके अच्छे तरीके से रख देंगे तो इसका मॉइस्चर अंदर ही चला जाएगा, उसके बाद आप शॉपर में लपेट के इसको रख सकते हैं। फिर जो है ना इसके बाद मैंने इसको जब तकरीबन आधा घंटा आपने पड़ा रहने देना इसी तरीके से, उसके बाद आपने किसी भी शॉपर में क्लिंग रैप में इसको रैप करना है और आपने इसे रख देना है, जब आपको यूज करना हो आप निकालें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ इसका वजन कितना है, कितनी क्रीम लगेगी, कौन कौन से इसके ऊपर क्रीम लग सकती है, बटर क्रीम कैसे बनानी है, सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मिलती है न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज।